तो जेई मेन 2024 के लिए फाइनल रिजल्ट डिले क्यों है, उसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि इनपुट आए थे कि 21 या 22 अप्रैल को एनटीए जेई मेन का फाइनल रिजल्ट रिलीज़ कर देगा, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि 25 अप्रैल ब्रॉचर में डेट दी हुई है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, तो रिजल्ट डिले कहाँ हुआ। लेकिन आप ये समझिए कि एनटीए ने अपना पूरा ट्राई किया कि रिजल्ट बिफोर टाइम रिलीज़ कर दें। आपने देखा कि आपका जो रिस्पॉन्स सीट है यानी प्रोविजनल आंसर की कितना फास्ट एनटीए ने रिलीज किया, और उसके बाद जो फाइनल आंसर की है उसे भी उन्होंने जल्दी जल्दी में रिलीज कर दिया, जिसके कारण उसमें गलती रह गई और फाइनल आंसर की को चेंज करना पड़ा, वापस से अपलोड करना पड़ा, वापस से रिलीज करना पड़ा। इसके कारण 22 अप्रैल को आपका जेई मेन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। आपने देखा कि जब आंसर की आई उसके थोड़े टाइम बाद आपका जो वेबसाइट है रिजल्ट वाला वो डाउन हो गया है, अभी तक डाउन है। लेकिन जब आंसर की चेंज करनी पड़ी इसके कारण एनटीए का रिजल्ट अभी रुक गया है, और जो डेट उन्होंने दी है वो 25 अप्रैल की दी है, तो आज 24 अप्रैल है। आप ये मानो कि आज अगर 12 बजे के बाद रिजल्ट आता है तो वो कुल मिला के 25 अप्रैल ही हो जाना है। तो जेई मेन के लिए जो रिजल्ट है वो आज रात में 12 बजे के बाद हो सकता है कि एनटी रिलीज कर दे, क्योंकि फाइनल आंसर की गलत हुई उसके कारण रिजल्ट डिले हुआ है। उन्होंने पूरा ट्राई किया था कि इस ट्रेंड को ख़त्म किया जाए रिजल्ट डिले वाला, लेकिन वो नहीं कर पाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जेई एडवांस के जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 अप्रैल से स्टार्ट होने हैं, तो एनटीए के पास अभी पर्याप्त समय है वो अपना जेई का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट हैं जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। और आज 24 अप्रैल है, 12 के बाद आएगा यानी वो 25 बनना है, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखो हमें, क्योंकि अभी से लेके काउंसलिंग तक जोसा सीएसएबी एमपीडीटी जैक दिल्ली हर एक काउंसलिंग के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जो प्रोसेस है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपके सीनियर्स की हमने हेल्प की है, आपकी भी करेंगे। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाज़त मुझे, जय हिंद।